नेत्र कौन से राज्य के है लोग, कौन सा राज्य से संबंधित है? क्षत्रिय नेत्र। बहुत बढ़िया। और कोई प्रश्न आप लोगों को याद आ रहा है? और खेल से था, जैसे 2022 का फीफा वर्ल्ड कप किस देश में होगा? 2022 का फीफा वर्ल्ड कप किस देश में होगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद फिर था 2020 या 21 ऐसे करके था पुरुष आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किस देश में खेला गया था, किसके मेजबान के बीच कौन करवाया था आयोजन? करवाया T20 आयोजक कौन था? आईसीसी T20। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं माई स्मार्ट टेक। दोस्तों एसएससी एमटीएस का 6 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है। हम खड़े हैं सेंटर के बाहर, स्टूडेंट निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। पूछेंगे किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, कितना टाइम किए आप? 10th ज़्यादा तो नहीं किए हैं भैया, सिर्फ वही तो जी। भैया आपके आइए 80 मारे हैं। 80 मारे हैं आप? कितना टच किए हैं? नहीं तो 60 कर दिए। 60 किए हैं। अच्छा, लेवल कैसा था पेपर का आप लोगों के अनुसार बताइए? लेवल तो इजी था, थोड़ा रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन घुमाऊ था। अच्छा, थोड़ा सा टाइम टेकन ज़्यादा समय लेने वाला था? यस, टाइम ज़्यादा लेने वाला। कोई प्रश्न याद है आपको? प्रश्न याद है जीके का था, मैं 2022 में फीफा वर्ल्ड कप मेजबानी कौन करेगा। अच्छा, ये सब 2022 में फीफा वर्ल्ड कप में कौन सा नया देश ज्वाइन करेगा? हाँ, ठीक करेगा। और कोई प्रश्न? और था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। भैया जी अरे थोड़ा सा आइए, आप लोग रिव्यू दे दीजिए। अरे आइए आप भी आइए आइए, थोड़ा सा रिव्यू दे दीजिए। कितना टाइम किए हैं? 85। लेवल कैसा था आपके अनुसार? इजी टू मॉडरेट था। इजी मतलब इजी ही था। इजी ही था। अच्छा, रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग भी इजी था। रीजनिंग इजी था। मैथ भी ठीक था। इंग्लिश थोड़ा सा मॉडरेट था। थोड़ा सा मॉडरेट था। कोई प्रश्न याद है आपको? हाँ, प्रश्न याद है जीके से, जो मतलब आई जो नीरज चोपड़ा जो जीता था, पूछा गया था संबंध है क्या? यस यस, मतलब जेवलिन थ्रो जो था ना वो वाला पूछा था। इसके बाद और कुछ इसी तरीका से करंट से कितना प्रश्न होगा? करंट से लगभग ज़्यादा नहीं, लेकिन 5 से 7 था। 5 से 7 पूछा गया था। 2020 से ही पीछा। आप कितना टाइम किए हैं? मेरा 1992। बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई प्रश्न याद है आपको? हाँ, जीके का बहुत सारा था, जैसे नीरज चोपड़ा गोल्डन भाला कौन फेंका था वो था। नीरज चोपड़ा से क्या था? भाला कौन फेंका था? अच्छा, गोल्ड मेडल कौन जीता था वो था। बहुत बढ़िया। और भी था, मतलब विधानसभा में कितनी सीटें होती है, मैक्सिमम कितनी सीट हो सकती है? अच्छा, एक राज्य में विधानसभा में कितनी मैक्सिमम हो सकती है? बहुत बढ़िया। और भी बहुत सारा क्वेश्चन था। मैथ भी इजी था, मतलब हाँ। अच्छा, मैथ में ज्यादा प्रश्न कहाँ से था? इक्वल था, लेकिन मतलब सब छोटा मोटा कैलकुलेटर, ज़्यादा हार्ड नहीं था। ब्लड रिलेशन से प्रश्न था? रीजनिंग में ब्लड रिलेशन नहीं था। मिरर इमेज नहीं? मिरर हाँ, वो पेपर कटिंग था दो गो। पेपर कटिंग था जी। कोडिंग डिकोडिंग था दो गो। कोडिंग डिकोडिंग था, मतलब लेवल। हाँ, लेवल ठीक था। लेवल था। कोई प्रश्न और बताइए? थोड़ा सा आ जाइए, इधर आ जाइए जी सर। और कोई प्रश्न बताइए आपको याद आ रहा हो? जो करेंट अफेयर कब का पूछा गया था ये? करेंट अफेयर सर 22 का है और आधा 21 का है, मतलब एक अगस्त से लेकर चलिए। अगस्त से? हाँ, अगस्त के बाद से, लगभग 9 महीने के आसपास। हाँ, 9 महीने का। करेंट अफेयर कितना प्रश्न था? करंट अफेयर से लगभग 7 प्रश्न थे। 7 प्रश्न था। हाँ। कोई प्रश्न बताइए करंट अफेयर? बता तो दिए सर, नीरज चोपड़ा रहा होगा, इसके अलावा नीरज चोपड़ा बताएं। और ज़्यादातर प्रश्न कहाँ से था? कोई योजना पूछा गया था क्या करंट में? योजना नहीं थी, योजना नहीं आया था। क्या था, कुछ आइडिया कुछ भी बता दीजिए? क्वेश्चन है लेकिन मतलब होता है कि दिमाग से तुरंत उतर जाता है, ऐसा भी होता है। हाँ, बुक से है। मतलब जो भी लोग जैसे स्पीडी एडिटेड ऐसा जो पढ़ता होगा ना, करंट वो अच्छा से कवर कर लेगा। और लूसेंट से होता ही जीक के ज़्यादातर लूसेंट से ही था। हाँ, इंग्लिश से कोई प्रश्न याद है आपको? इंग्लिश का सर साइनो एंटो था, कुछ कुछ था, जैसे रिफ्यूट था। अच्छा, और वन वर्ड्स में था, एक वर्ड था याद नहीं है, मतलब अच्छा, भूल गए। धन्यवाद आपका। कितना टाइम किए आप? 71। आप कितना किया? 75। अच्छा, लेवल कैसे था आप लोगों के अनुसार? जीके जीएस तो पढ़ा हुआ सब कुछ है, फीफा पूछा हुआ था 2020 में कतर का होगा, फुटबॉल हुआ था तो कतर का में था। और लेवल बड़ा बढ़िया था, बस मैथ उसका है थोड़ा, और रीजनिंग का थोड़ा ज़्यादा हार्ड लग रहा। रीजनिंग थोड़ा सा हार्ड लगा। हाँ, बहुत टेकन टाइम टेकन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कोई करंट का प्रश्न याद आ रहा है आप लोगों को? आप ही बताइए जी। कोई मैथ कैलकुलेटिव था, बाकी सब इजी था। एडवांस तो नहीं पूछा गया था ना? नहीं, एडवांस एडवांस था, 4-5 तो था। 4-5 एडवांस था? नहीं, 4-5 तो नहीं, अप्रोक्स 3 को मान के चलते हैं। आप पेपर दे के आ रहे हैं? कितना टाइम किए हैं आप? 52। 52 ही मात्र किए हैं? पढ़ भी नहीं किए तो मारते क्या? फर्स्ट टाइम देने आए हैं, पेपर दे रहे हैं। कोई प्रश्न आप लोगों को याद है? हाँ, नित्य ये सर आया था जीके जीएस में। क्या था जीके में? जीके जीएस में अकबर का राजस्व मंत्री कौन है, और एक था भारत का 2022 में चेंज हुआ राजधानी,
भूटान का ये क्या बोलता है भूटान का पूछा गया था क्या कैपिटल क्या है भूटान का कैपिटल। हाँ ठीक है, आप कितना कर किया? 84। कोई प्रश्न याद है? एक तो जीएस में फीफा 2022 काम पूछा था, और एक नीरज चोपड़ा का पूछा गया था भाला फेंक का एक नीरज चोपड़ा से रिलेटेड क्वेश्चन। टोक्यो 2020 में भाला फेंक में किसने गोल्ड मेडल जीता? कोई हिस्ट्री से कोई प्रश्न था कि नहीं? दो चार क्वेश्चन था क्वेश्चन था उसका कि ये अरब जैसे सुंदरी डेल्टा कहाँ बनती है? अच्छा, सुंदरी ब्रिज कहाँ बनती है? अच्छा, ये था ऑप्शन महानदी है। कौन सी नदी बे ऑफ बंगाल में गिरती है? जी हाँ, बहुत बढ़िया। और कोई प्रश्न? और नृत्य से था, नृत्य से क्या था? जैसे क्षत्रिय नृत्य कौन से राज्य के है? लोग कौन से राज्य से संबंधित है? क्षत्रिय नृत्य। बहुत बढ़िया। और कोई प्रश्न आप लोग याद आ रहा है? और खेल से था, जैसे 2022 का फीफा वर्ल्ड कप किस देश में होगा? 2022 का फीफा वर्ल्ड कप किस देश में होगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद फिर था 2020 या 21 ऐसे करके था पुरुष आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किस देश में खेला गया था? किसके मेजबान के बीच कौन करवाया था आयोजन? करवाया T20 आयोजक कौन था? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का 2020 में जो है मेजबानी कौन किया था? 2020-21 लिखा हुआ, 2020 कौन सा दो देश किया? नीरज चोपड़ा, वो जो भाला जो फेंका था उसमें स्वर्ण पदक जो जीता था। और कोई करंट से प्रश्न आप लोग याद आ रहा है? कोई योजना सरकार का पूछा गया हो? नहीं, एक था जो सिक्का कौन सा मंत्रालय छापता है, सिक्का कौन सा, और वो एक रुपए का करेंसी नोट और सिक्का कौन सा मंत्रालय वो छपाई करता है? कोई फिजिक्स का प्रश्न? सबसे हाईएस्ट एटॉमिक रेडियाई किसका है? ऑप्शन में था बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन था। अच्छा, मैथ में बात करें तो परसेंटेज से कितना प्रश्न होगा? तब भी एवरेज परसेंटेज लगभग 5-6 क्वेश्चन था। प्रॉफिट एंड लॉस से भी 5-6 क्वेश्चन था, एवरेज से 2-3 क्वेश्चन था। दो क्वेश्चन उससे भी था। और दो क्वेश्चन आप लोगों को याद आ रहा है? कोई इंग्लिश का भी याद हो तो? इंग्लिश में तो वही साइनोनिम्स एंटोनिम्स था, उसके बाद पिन नाइरेसोनिम्स था, जेनिथ का बताना था उसका एंटोनिम्स क्या होगा, तो नाडीर जो सबसे निचला होता है करेक्ट में बताना था कि कौन सा करेक्ट होता है, करेक्ट करना था। हाँ इन द ब्लैंक ढेर सारा था। कितना होगा तब भी? लास्ट में 5 थे और फिर करेक्ट सेंटेंसेस करने के लिए दिया था। आप लोग तुक्का भी लगाएंगे जितना एग्जैक्ट आ रहा था उतना ही करके आए? नहीं सर, 76 अटेम्प्ट किए हैं, जितना आता था उतना। मतलब एग्जैक्ट, मतलब एक दो गलत हो सकता है। एग्जैक्ट मारे आप पेपर दे के आ रहे हो? कितना अटेम्प्ट किया आप? 84। कोई प्रश्न याद है आपको? यस, प्रश्न याद है। हाँ ऐसे था, आइडियम एंड फ्रेज से था कुछ। देखिए और सेंटेंस 5 क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत इजी है। 65 जो क्वेश्चन है बहुत इजी, हर कोई बना लेगा अगर तैयारी करता है। और अगर सिलेक्शन लेने के लिए थोड़ा 10-15 थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना होगा। सिलेक्शन का मतलब वो नहीं हुआ सर, 65 क्वेश्चन आसान रहता है, वो सब अटेम्प्ट करेगा, कोई भी कर लेगा। लेकिन अगला जो 35 क्वेश्चन जो होता है वो टफ होता है, और उसमें जो जितना ज्यादा अटेम्प्ट लेगा उसका सिलेक्शन होगा। ऐसा तो नहीं और हुआ अंतिम का जो 35 क्वेश्चन है उस पर मतलब नंबर लाने के लिए करंट अफेयर्स और मैथ को रिवीजन चाहिए। तो करंट अफेयर कोई आइडिया बताइए कैसा पूछा गया था? करंट अफेयर्स प्रधानमंत्री योजना का क्वेश्चन था, नीरज चोपड़ा जो करंट ही धूप आ रहा है, आप लोग इधर आ जाइए। 2022 अप्रैल से था एक करंट अफेयर। अरे करंट अफेयर जो पूछा था वो करंट ही से पूछा था, पीछे से उन्होंने पूछा था करंट अफेयर। मतलब 6 महीने पुराना लगभग पूछा गया, 6 महीने
2020 से 22 तक का बीच में ही पूछा था। 2020 से 22 किया था। 2020 और 2021 का ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब मोस्टली हाईलाइटेड है। अच्छा, मतलब कोई जीके में ऐसा प्रश्न नहीं था ना जो आउट ऑफ सिलेबस हो, जो लूसेंड वगैरह जो स्पीड हम पढ़ते हैं जीके का मतलब आउट ऑफ सिलेबस कैसे हो जाएगा? जीके तो कुछ भी डाल दिया तो वो तो जीके ही हो जाएगा। थोड़ा ऊट पटांग, थोड़ा नहीं वैसा नहीं था। MTS है तो अपना लेवल के हिसाब से सब चीज ठीक था। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कट ऑफ एवरेज अगर हम माने जितना आप लोग का टाइम बता रहे थे, क्या लगता है कट ऑफ हाई जाएगा? कट ऑफ हाई जाएगा, 80 प्लस लगता है। हाँ, इतना तो है, 80 प्लस जाएगा। 75-80 का बात करें तो हाँ, 75-80 जाएगा। 75 प्लस। हाँ, क्या लॉकडाउन में फार्म वगैरह निकला नहीं था जितना, मतलब कि जो मंझाल मंझाल लड़का था जो मैं कि यहाँ पर सर सेंटर में फर्स्ट सीटिंग में बच्चे को बहुत सारे अब्सेंट भी थे। प्रेजेंट कितना थे तब भी 100 में से 50% इस वक्त थोड़ा सा हुआ है कि जो सेंटर जो हुआ है ना थोड़ा सा उलट फिर हो गया। 70% इस कारण से हुआ ना सर कि जैसे कि पहले आता था पटना सेंटर जाता था, इतना दूर दूर जाता नहीं था, अब भेज दिया किसी का बनारस, भेज दिया मुजफ्फरपुर आ रहा, तो ये कभी। हम लोग बिहार शरीफ से आए हैं। हम गया जिला से आए हैं। मतलब मिक्स, मतलब बिहार का ही दे रहा है, मतलब 200 किलोमीटर के अंदर कहीं सेंटर है लगभग। चलिए, शुक्रिया आप लोगों का, शुक्रिया। फ्रेंड्स, जैसा कि देखा, ज़्यादातर फ्रेंड का कहना है कि 80 के आसपास एवरेज अटेम्प्ट बता रहे हैं। क्वेश्चन का अगर लेवल की हम बात करें तो रीजनिंग थोड़ा सा मॉडरेट किस्म का था, बाकी जीके आसान था, मैथ भी आसान था। तो दोस्तों, आगे के आने वाले जितने भी शिफ्टों में एग्जाम होगा सारा का एनालिसिस हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।